अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दोस्तों आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और उम्मीद करता हूँ इस कोरोना के ख़तरनाक दिनों में आप सब लोग अपनी ईद को घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आज की मंजिल हमारी शादराबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो लाहौर का एक सब रेलवे स्टेशन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट जंक्शन भी है। तो सफ़र शुरू होता है तकरीबन 2:30 बजे, जब हम तमाम शाम की ट्रेनों को रिकॉर्ड करने के मकसद से घर से निकलते हैं, मगर इस टाइम गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है और नाकाबले बर्दाश्त भी। खैर, हम लोग लाहौर की गलियों को नापते हुए पहुंचे रिंग रोड पर। रिंग रोड पर रोज़ के मामूल ट्रैफिक बहुत तेज़ थी और हमेशा की तरह इस रोड पर बाइक चलाने का मज़ा आ रहा था। जल्दी हमने रिंग रोड को छोड़ा और जीटी रोड पर आ गए। जीटी रोड पर आने के बाद हमने सबसे पहले दरियाए रावी का पुल अबूर किया, और दरियाए रावी की सतह आज रोज़ के मामूल थोड़ी ज़्यादा थी। ये जानकर भी बहुत दुख हुआ कि कोरोना की वजह से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है, जिसमें मेट्रो, वैगन, बसें सब शामिल हैं। इसी की वजह से आज ट्रैफिक की तादाद में भी ज़रा कमी थी। फिर हम जल्द ही शादराबाग रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। यहाँ आते ही पहली ट्रेन 102 डाउन सुबह खराम एक्सप्रेस मिली, जो कि लेट थी। इसकी लीड पर ZCU-20 लोकोमोटिव था। स्टेशन पर बहुत से चहचहाते परिंदों की आवाज़ें भी आ रही थीं, जो कि बहुत खूबसूरत थी। इसी के साथ हमारे आज के मेन एक्शन 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस का भी टाइम हो गया था। इसकी लीड पर GU-40 लोकोमोटिव था।
शादाबाग स्टेशन के जंक्शन होने की बड़ी वजह यहाँ से तीन लाइनों का अलग अलग मुख्तलिफ रूट्स पर निकलना है, जिनमें से एक रूट आपको फैसलाबाद ले जाता है, एक रावलपिंडी और एक नारोवाल। इसी बोर्ड के साथ एक लैंप रूम यानी बत्ती गोदाम भी मौजूद है और यहाँ पर एक गोदाम भी है। इसी के साथ सेवन अप तेजगाम एक्सप्रेस भी आ पहुंची, जिसकी लीड पर ZCU-20 लोकोमोटिव था। शादरा स्टेशन पर बहुत से मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत फूल भी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैं। गर्मी में आपको ये एक आँखों से अलग ही ताज़ियत बख्शते हैं, जो कि देखकर सुकून भी देते हैं। कुछ देर इन फूलों के साथ वक्त गुजारना चाहता था तो इन्हीं के साथ बैठ गया, फिर अचानक 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस आ गई, जिसकी लीड पर ZCU-20 लोकोमोटिव था। फिर मैं कुछ माल गाड़ी की बोगीज़ के पास पहुंचा, जो कि स्टेशन की हदूद के आखिर में खड़ी हुई थी। इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अबंडेंट हैं और इनके आराम का वक्त आ पहुंचा है। फिर इसके बाद 125 अबलासानी एक्सप्रेस आ गई, जिसकी लीड पर ZCU-20 लोकोमोटिव था।
SOPs की धज्जियां उड़ाने और 2 मिनट के शेड्यूल स्टॉप के बाद लासानी एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। ये वो लाइनें हैं जो मुख्तलिफ रूट्स पर जाती हैं। लेफ्ट साइड वाली लाइन लाहौर फैसलाबाद खानेवाल की तरफ बीच वाली ML1 और राइट साइड वाली लाहौर नारोवाल सियालकोट लाइन है। फिर इसी के साथ हमारे आखिरी एक्शन 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस का टाइम हुआ, जिसकी लीड पर GU20 लोकोमोटिव था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये नई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।